तो हेलो गाइस, आप मेरे को जानते हो। मैंने साइकिल भैया कैमरा फिर से हाईजैक कर लिया। तो गाइस, बात ये है, जिस सरप्राइज की हम बात कर रहे हैं ना, वो आपके सामने अभी रिवील करने वाले हैं। आज के व्लॉग में ट्रैवलिंग कम होगी, बट एक ऐसी चीज आपको दिखाने वाले हैं, डिटेल्ड रिव्यू और हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस दिखाने वाले कि इसी ऐसी चीज के साथ जो आपको मेरे चैनल पे आज तक कभी नहीं दिखी। बाकी सभी जो कैंपिंग वाले चैनल्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, बट मैं पहली बार कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरा एक्सपीरियंस जो फर्स्ट हैंड है वो कैसा रहेगा। तो यार, तो कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज? डीकैथलॉन का रूफटॉप टेंट खरीदा है, जैसे कि आपको दिखाया मैंने, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल टेंट है। अभी मैंने अपने घर की लॉबी में इसको खोला है, काफी बड़ा टेंट है। गाइस, डीकैथलॉन का टेंट आपको यूट्यूब पे भी बहुत कम दिखेगा, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास है नहीं है। मतलब लोगों के पास बाकी लोकल ब्रांड्स के हैं, पर डीकैथलॉन का बहुत कम लोगों के पास है। इंडिया में मेरी फर्स्ट गाड़ी होने वाली है डीकैथलॉन रूफटॉप टेंट के साथ। कोई भी कंटेंट क्रिएटर ऐसा नहीं है जिसने आज तक डीकैथलॉन के रूफटॉप टेंट का रिव्यू करा है। मैं ऐसा फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर हूँ जो इस टेंट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो यार, ये है टेंट, आप देख सकते हो। यार, अभी आपको हम शुरू से लेके एंड तक जो भी असेंबलिंग का पार्ट रहने वाला है वो आपको दिखाने वाले हैं, ताकि अगर आप भी ये टेंट मंगवाते हो या फिर कोई और टेंट मंगवाते हो रूफटॉप, तो अपनी गाड़ी पे इजीली असेंबल कर पाओ। आर यू एक्साइटेड गाइस? यस गाइस। ये वाला टेंट बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। जो हमारे पास दूसरा टेंट है ना, ग्राउंड टेंट, वो इतना ज्यादा नहीं है। मतलब यहाँ पे आप हाइट देखो कितनी ज्यादा है यहाँ, कि अगर हम लेटेंगे तो मेरा तो हाथ भी ऊपर नहीं पहुंचेगा, इतनी ज्यादा। और यहाँ पे कितनी सारी पॉकेट्स भी हैं, इधर भी हैं, दोनों साइड है। कोसा आ चुकी है अंदर, और अंदर आवाज गूंज रही है, है ना? नहीं, हाँ सच में गाइस, ये झूठ बोल रही है। ऐसे गाइस झूठ बोल रहे हैं, कपड़े में कैसे आवाज गूंज सकती है? क्योंकि आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी? क्वांटम फिजिक्स पढ़ी है मैंने, और मैं रिसर्चर हूँ उसका। डीकैथलॉन के रूफटॉप टेंट के अंदर जो हमें मजा आने वाला है वो इनकम्पेरेबल होगा। ग्राउंड टेंट की मजबूती तो हमने पूरी टेस्ट करी है, जितनी हमने टेस्ट करी है ना, किसी ने सोची ना होगी। तो गाइस, अभी हम टेंट को बंद करने वाले हैं, आपको दिखा दिया, ब्रीफ में बता दिया। तो आप बने रहिए इस सीरीज पे, बने रहिए रूफटॉप कैंपिंग के साथ हमारी हैरियर में, इंडिया की फर्स्ट हैरियर और इंडिया की फर्स्ट कार, फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर जो डीकैथलॉन के रूफटॉप टेंट को यूज कर रहा है। तो काफी अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। अभी हम इसको असेंबल करेंगे, मैं और रूबी। तो यार, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे ड्राइवर ओपी इसके बीच में हाथ डाल के और नट कस रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत मेन है, इससे मजबूती है टेंट की, और यही लगेगा क्रॉस बार के ऊपर, इसलिए इसके नट अच्छे से कसे जाने चाहिए। और इसको अभी ऐसे इसको आधा खड़ा किया हुआ है और आधा ये नीचे है। तो ये दोनों हमने लगाए हैं, जो इसके इसको हमने असेंबल किया है, इसके जो बार्स हैं क्रॉस बार्स पे ये लगेंगे। कैसे लगेंगे आपको लगाते टाइम दिखाएंगे फिर। अभी हमारी लैडर लग रही है, लैडर लगने के बाद जो असेंबलिंग वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम गाड़ी पे लगाएंगे। अभी हम लैडर लगाने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी टेंट को इंस्टॉल किया है वो किया है जो बेसिक पार्ट है, अभी इसके साथ लैडर लगेगा, जो कि काफी मजबूत लग रहा है। आप खुद चेक कर सकते हो कि इसकी मजबूती, बैकग्राउंड में मेरे पापा आइसक्रीम खा रहे हैं, बट इधर मैं और रोबी बैठ के नीचे इसको अभी लगाएंगे लैडर को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है रूफटॉप का। और ये पीछे वेलिया मार रही है, टाइम पास कर रही है। गाइस, मैं अपना सामान सेट कर, मैं वेली नहीं हूँ इनकी तरह, ये साइड पे बैठे हैं बस। गाइस, आप देख सकते हो कि हमारा लैडर लग चुका है, धीरे धीरे जाएगा नीचे। ये हमारा आखिरी काम था असेंबलिंग का, इसके बाद होगा टेंट इंस्टॉलमेंट। Let's go.
यार जो जितना ये दिखने में आसान लग रहा था उतना तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आसान दिख रहा था उतना ही टफ है। तो गाइस आप देख सकते हो कि टेंट के आसपास वाली कैलकुलेशन करनी काफी रिस्की है। प्रॉपर ये जहाँ पे होना चाहिए और ये जहाँ पे होना चाहिए इसकी कैलकुलेशन करनी काफ़ी ज़्यादा एक रिस्की काम है और काफ़ी प्रिसीजन वाला काम है। आप देख सकते हो टेंट जैसे हमने लगाया, अभी हमने फाइनल इसको कसना है। आप इसकी फ्रंट लुक देख सकते हो, अभी इसके ऊपर ना कवर आएगा और ये फर्स्ट हैरियर है इंडिया की और फर्स्ट कार है जिसपे डीकैथलॉन वाला रूफटॉप टेंट लग रहा है। आप इसके नट देख सकते हो गाइस, अभी इनको कसना है हमने। अभी देखते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, ड्राइवर ओपी प्रॉपर अपना दिमाग लगाते हुए। एडवेंचर, लगे लगाए सामान पे ऊपर चढ़ जाना और लगे लगाए सामान पे सब कुछ कर लेना, उसमें मजा नहीं आता जितना खुद से इंस्टॉल करके और खुद मेहनत करके जब इसको हम ट्राई करेंगे ना कैंपिंग में, तो तब देखना कितना मजा आएगा। सामने देख सकते हो ड्राइवर ओपी लगा हुआ है छत पे चढ़ के, हैरियर की छत की और पिलर्स की मजबूती को चेक करते हुए। कैसा लग रहा है छत पे जाके? ऊंचा ऊंचा और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। तो यार फाइनली अभी हम अपना टेंट खोल के दिखाने वाले हैं, टाटा हैरियर इंडिया का फर्स्ट डीकैथलॉन का रूफटॉप टेंट। ये हमारा रूफटॉप टेंट हैरियर के ऊपर लग चुका है। बड़ा मस्त लग रहा है यार, बड़ा मस्त लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम हमारा टेंट खुला है वो भी घर के बाहर। वहां पे कश्मीर में जाने का तो मौका ही नहीं मिला गाइस। गाइस रात को यहीं पे सो जाऊं, उठ के भाग जाएंगे। ये नया आइडिया दिया है इसने। और इस तो देख लो आप अंदर चले गए, ये अंदर अंधेरा ही अंधेरा, रोशनी तो मारो कोई अंदर। तो गाइस काफी ज्यादा खुशी हो रही है देख के अपनी गाड़ी पे रूफटॉप टेंट। आप देख सकते हो ये लगी पड़ी है, फीलिंग लेने पूरी। तो गाइस इस वीडियो में आपने सारा डिटेल में देखा हमने कैसे अपने आप क्रॉसबार लगाए, अपने आप रूफटॉप टेंट इंस्टॉल किया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट्स पे धावा बोल दो, अपने रिव्यूज बताओ आपको कैसा लगा वीडियो देख के रूफटॉप टेंट हैरियर में। और इंडिया में बहुत कम लोगों ने और ना के बराबर लोगों ने डीकैथलॉन का टेंट यूज किया है रूफटॉप टेंट के कैटेगरी में। ऊपर बैठी है ये फर्स्ट टाइम, अभी इसको कश्मीर ट्रिप पे टेस्ट करने वाले हैं, आगे आने वाले व्लॉग्स मिस मत करना। तो गाइस फाइनली बहुत ज्यादा थक चुके हैं, पैक कर चुके हैं इसको। ये फ्रंट साइड है इसकी और इसकी पैकिंग इतनी जबरदस्त हुई है ना, प्रॉपर सील्ड हो चुका है। अभी आपको रोबी बताएगा कैसे ऐसे। तो गाइस देख लो आप, ऐसे ऐसे लोगों को साथ लेके चलता हूँ मैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने बहुत मुश्किल से, ये इलास्टिक जैसा है, इसको ऐसे हमने बहुत टाइटली इसको लगाया है, पूरा पैक है हर साइड से। अब चाहे पानी बारिश आए चाहे धूल उड़े कुछ भी हो इसके अंदर तक नहीं जाएगा। Exactly. अभी हम हैरियर का टेस्ट लेंगे, चला के देखेंगे कैसा फील आ रहा है। आप लुक देख सकते हो फ्रंट से। तो यार मैं, भानु और रोबी हम निकल चुके हैं गेड़ी पे रात को 2:30 बजे। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं अपने शहर में। हमें ये था कि अभी हमने रूफटॉप लगा लिया है, ये बिहाइंड द सीन है, वीडियो एंड हो चुका था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा ड्राइव करेंगे, इसको तेज चलाएंगे, थोड़ा सा धीरे चलाएंगे, ऑफ रोड में चलाएंगे ताकि पता चल सके कि हमें कुछ चेंज फील हो रहा है कि नहीं। वैसे तो आपको ये मैं ऑनेस्टली बताने वाला हूँ कि क्या चेंज फील होगा और क्या पता ना ही हो। तो कल हमने कश्मीर ट्रिप पर निकलना है तो उससे पहले हमारा मन करा चुन करने का, तो अभी हम वही कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं फिर कैसा फील होता है। तो गाइज अभी हम आगे बढ़ चुके हैं, पटनी टॉप जा रहे हैं आज। और कश्मीर कैंपिंग सीरीज काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि पहली बार ट्राई कर रहे हैं रूफ टॉप, वो भी डीकैथलॉन MH 500। अगर किसी को ऑर्डर करना है तो मेरी पूरी सीरीज देख सकता है
कि कैसा इसका रिव्यू रहता है, मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस, और फिर आप लोग डीकैथलॉन की साइट पे जाके इसको ऑर्डर कर सकते हो। मैं लिंक भी डाल दूंगा। जो भी हमने इसको इंस्टॉल किया है वो सारा डिटेल में जो इसकी वीडियोस मेंशनड है यूट्यूब में, मैं उसके भी लिंक डाल दूंगा ताकि सारे इस वीडियो को देख के टेंट को इंस्टॉल कर पाए। बट मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप बाहर से लगवाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और काफ़ी ज़्यादा दिमाग भी खर्च होता है, जो कई लोगों के पास दिमाग होता नहीं, तो इसलिए आप ज़्यादा अच्छा है इसकी तरह ज्यादा। मैंने भी हेल्प की थी, आधा काम मैंने किया, ये कैमरा पकड़ के खड़ी थी, इतना तो हेल्प इसने किया था हमारा। गाइस इसी वजह से आप देख पा रहे हो ना, मेरी वजह से। हाँ, नट इसने उठाए थे। तो यार अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो गाइस हम जा रहे हैं अमृतसर वाले हाईवे से होके, आगे मैं जलंधर वाले रास्ते से जाता हूँ, बट इस बार हमने नया रास्ता लिया है जम्मू जाने के लिए। अभी कितना दिखा रहा है, 6-7 घंटे का रास्ता बता रहा है, 1 बजे का टाइम है। अभी हम रास्ते में कहीं रुक के ब्रेकफास्ट भी करेंगे, और सीन ये है कि अभी तक तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिला डायनेमिक्स में गाड़ी की, बट एक चीज जरूर हमने नोटिस करी कि जो एवरेज है ना वो 2 या 3 किलोमीटर पर लीटर कम हो गई है। पहले जो हैरियर की एवरेज आती थी हाईवे पे, वो आती थी 16-17-18 डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सी स्पीड पे हैं। अभी जो हैरियर की एवरेज आ रही है 100 की स्पीड पे या 110 की स्पीड पे, वो आ रही है 14.5-15 के बीच में। 2-3 किलोमीटर पर लीटर जो एवरेज है वो घटी है, ये तो हमें अभी पता चल गया ट्रिप की शुरुआत में, और पहाड़ों में तो और एवरेज गिरेगी, आपको पता है गाड़ी लोड मानेगी। तो यार जैसे जैसे मुझे पता चलता रहेगा इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ताकि आपको भी पता चले क्या फायदे और क्या नुकसान है रूफटॉप टेंट गाड़ी में लगवाने के। तो यार जिन जिन लोगों ने हमारी केरला वाली सीरीज नहीं देखी, जिसमें ड्राइवर ओपी, मैं और शेफ बानू हम तीनों गए थे केरला को एक्सप्लोर करने के लिए, वो जरूर जाके देखिए। जो नए बंदे हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, शेफ बानू को हमने पीछे बिठा दिया है, और ये धीरे धीरे करके शानू की तरह पीछे अपना बेड सेट करती रहेगी। और गाइस जो पीछे बैठा होता है ना उसको वैसे ही नींद आती है, क्योंकि बोर हो जाते हैं, करे क्या, और बंदा खुद भी बोर हो, मतलब बोरियत आती हो इसमें से, तो ज्यादा ही। आप क्या मुझे बोरिंग बोल रहे हो? समझ जाती है क्या बोलना चाहता सामने वाला बंदा। गाइस इसी ट्रिप पे रो भी है, हमेशा तो मैं होती हूँ ना, मेरी कीमत समझो। गाइस हमें टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती है शेफ बानू, इस सच्चाई को कोई नहीं मिटा सकता, ये पत्थर पे लकीर है। खाना बाहर से मिल सकता है गाइस, पर खाना तो बाहर से मिल सकता ना, पैसे के साथ ही लेके जा सकता। हाँ, खाना तो पैसे दे के मिल ही सकता है यार, ये तो आपको भी पता ही है। गाइस आपको मेरी कुकिंग देख के मजा आता है ना, अभी बाहर से खाएंगे तो आता है उनको, आपको आता है ना, आप जाके कमेंट में जाके बताओ कि हाँ आपको आता है मजा कुकिंग देखने में। आप देख सकते हैं हम अमृतसर के बॉर्डर पे हैं, ये गेट काफी ज्यादा फेमस है, अमृतसर की एंट्री इस गेट से होती है, बट हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे अमृतसर सिटी है, हमें यहाँ से राइट मुड़ना है ताकि हम पठानकोट की तरफ जा सके। आप देख सकते हो रेड लाइट पे खड़े हैं। तो यार लाइटें हो चुकी है हमारी ऑन, कहाँ सो रहे हो? इधर की तो नहीं है गाइस, ग्रीन हो गई थी ना, ये नहीं देखी कहाँ की ग्रीन हुई है। ये नहीं देखी कहाँ की ग्रीन हुई है गाइस, ये थोड़ा पंजाबी हिंदी हो जाता है कोई, ये हज़ाबी होती है, आपको पता ही है फिर हम, और मुझे पता है गाइस आपको मेरी लैंग्वेज और मेरा जो टोन है काफी पसंद आता है, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके, तो थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अभी ये मत कहना कि रेड भी है और ग्रीन भी है, क्या करें, क्योंकि आप ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हो ना कुछ। रुक के चलते हैं। सीन ये है कि मजा काफी आ रहा है, आज पहला दिन है तो थोड़ी एनर्जी धीरे धीरे और बढ़ेगी ब्लॉगिंग की, धीरे धीरे मतलब हम आपको नए नए एक्सपीरियंसेस दिखाएंगे कश्मीर वैली के। अभी तो पठानकोट वाले रास्ते पे हैं और ये हाईवे काफी अच्छा है, मुझे काफी सुंदर लगता है ये जो हाईवे का ड्राइव है, और मजा आता है, रोड्स अच्छे हैं। बाकी यार कश्मीर जाते टाइम ना हमारा वन साइड का तकरीबन 1200-1300 का टोल लग जाता है, ये तो है। क्या तो है
गाइस मेरा मजाक उड़ाते हैं, आप देख लो मैं आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ ना, तो ये पीछे से मेरा मजाक उड़ाते हैं सब दोनों जाने। गाइस हम पीछे से उड़ाते हैं, 10,000 लाइक कर दो माने को उड़ा देंगे। गाइस ये टोलों ने पागल कर दिया, इतने पैसे लगवा दिए मेरे, इतना तो हमारा टेंट महंगा नहीं था जितने हमने टोल कटा दिए। और आप सामने देख सकते हो जैसे बहुत दूर है, जिनकी निगाह तेज है वो देख सकते हैं एम का साइन आ रहा है, एम माने मैकडॉनल्ड्स। हो सकता है कि हम मैकडी में रुके गाइस, और वहाँ की कॉफी तो मेरी फेवरेट है। फाइनली मैकडी का बोल के हम आ गए हैं सागर रत्न। आपको पता ही है फिर ये तो मैंने फ्रेंचाइजीज ले ले छोड़ रखी हैं, अपने बिजनेस बहुत है। गैस गाड़ी कितनी अच्छी लगी, तो यार देख सकते हो रूफटॉप टेंट को कोई दिक्कत नहीं आई, रूफटॉप टेंट काफी सही है। पर इसको देख लो, इसको निकलने में दिक्कत आती है क्योंकि हैवी है ना, एरिया ज्यादा चाहिए। गाइस जितने मर्जी सामान कम कर दो, पर इन्होंने मेरे पैरों में सामान रखना ही रखना है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या ऑर्डर किया है? मैंने ऑर्डर किया है इडली चाट और साथ में मसाला डोसा। और वहाँ पे जाके बैठे हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पे सोफा है, उधर शोर है, यहाँ तो बहुत शांति है, स्पीकर है उधर ऊपर सर पे। ठीक है जी, रोबी केएफसी से अपना सामान लेके आ रहा। तो ये हमारी एक आइटम आ चुकी है, इडली चाट। सागर रत्ना की इडली चाट मुझे बहुत पसंद है और भानु को भी। एग्जैक्टली गाइस, तो यार मेरे डोसे वाला ऑर्डर भी आ गया, मसाला डोसा, जो कि मेरा फेवरेट है सागर रत्ना का, मेरे खुद का ब्रांड है ना गाइस, इसलिए गाइस ये बोल रहे हैं। हमने खा लिया था साउथ इंडियन डोसा और गाइस इन्होंने अभी दही वाली आइटम खाई, अभी कॉफी पी रहे हैं। अब आप देख लो इनके पेट के अंदर अब क्या क्या सिस्टम हिलने वाला है, सिस्टम हिला देंगे। तो अभी हम मैकडी के द्वार पे खड़े हैं उनसे कॉफी लेने के लिए, जो कि हमारा टेक अवे ऑर्डर है। यहाँ से सीधा जाने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, तो बने रहिए गाइस। तो गाइस ये हमारी कॉफी का ऑर्डर, सामने ऑर्डर करता हुई काम जी, तो मैं डरता सी। प्लान में कुछ चेंज है छोटा सा, वो ये चेंज है कि हमने जाना था पटनी टॉप, बट पटनी टॉप बता रहा था 9 बजे का टाइम, तो हमने सोचा कि हमने ना पहले भी दो ऑप्शन लेके चले थे, या तो हम अपना ट्रिप शुरू करने वाले थे कश्मीर साइड से और वापसी करते हम जम्मू साइड से, मतलब कि जो जय वैली वगैरह है जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम इस साइड से जाते तो हम उधर से अनंतनाग होके फिर कश्मीर वैली एंटर हो जाते। बट आज के टाइम के हिसाब से बात करूं तो हम जम्मू पहुंच रहे थे 7 बजे और पटनी टॉप पहुंच रहे थे 9 बजे। मुझे लगा कि ओरिजिनल कैंपिंग का जो सीन बनेगा वो कल ही बनेगा नेक्स्ट व्लॉग में, तो आज क्या करते हैं कि हम पहुंच जाते हैं जम्मू, रेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कौन सा मर्जी टेंट हो जो कैंपिंग होगी वो ठंड में ही होगी, ठंड मिलेगी हमें कश्मीर वैली में कश्मीर एंटर होके, और वो हम आज एंटर हो नहीं सकते, तो हम वो कल सुबह एंटर मतलब कल हो जाएंगे वो। तो गाइज अभी हम जम्मू एंटर होने में जस्ट हमें 2 घंटे लगेंगे और हमें दूर दूर से छोटी पहाड़ियां दिखनी शुरू हो गई। और गाइज ये सामने अभी आप देखना हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे, गाइज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पंजाब पुलिस, अभी बस ये पूरा ब्रिज क्रॉस करके आपको दिखेगी J&K पुलिस। और आप ऊपर बंदे देख सकते हैं, बड़ा मस्त कैंपिंग माहौल बनाया हुआ उन्होंने, कैंपिंग इन ट्रैक्टर। ये ब्रिज जैसे खत्म होगा तो हम जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होंगे। तो यार अभी सीन ये हो रहा है, हमें थोड़ा सा ऑफ रोड करना पड़ रहा है टाइम से पहले ही, क्योंकि जो मेन हाईवे है जो जम्मू को जाता है वो टूटा हुआ बीच में से, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो हम कोई शॉर्टकट लेके साइड में से फिर रोड से कनेक्ट करेंगे। अभी तो पता नहीं कौन सा रास्ता है, ये मुझे भी नहीं पता, ये रास्ता ही नहीं है एक्चुअली, ये रास्ता ही नहीं है कुछ और ही है। आप देख सकते हो सारी गाड़ियां डाइवर्ट हो चुकी हैं मेन हाईवे से, और पता नहीं अब ये कहां से निकलेगा और कितना टाइम लगाएगा। कश्मीर में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, हमेशा तैयार रहिए, प्लान के साथ तो आप चल ही नहीं सकते। पानी में से निकालनी पड़ रही है, आप देख सकते हो कितना पानी है। तो यार
दोबारा हम जो हाईवे है उस पे आ चुके हैं। थोड़ा सा ऑफ रोड पैच था क्योंकि जब ये मॉनसून इस साल का काफी हैवी मॉनसून था तो इस वजह से थोड़ा सा रोड टूटा है, क्या हुआ है, ब्रिज टूटा है ये पता नहीं, क्योंकि जिन जिन एरिया से नदी क्रॉस हो रही है वहां पे इफेक्ट पड़ा है। इस बार का मॉनसून काफी ज्यादा मतलब खतरनाक वाला था और बाढ़ वगैरह हर जगह आई है। कश्मीर में भी मुझे लगता है हमें कुछ रास्ते ऐसे दिखेंगे जो कि टूटे हुए खराब होंगे और देखते हैं कैसा रहता है। हिमाचल में इस साल के मॉनसून का असर सबसे ज्यादा पड़ा है, आपको पता ही है, आपने न्यूज चैनल्स पे देखा होगा कि बाढ़ कितनी ज्यादा आई है, वहां पे कितने बादल फटे हैं। इसलिए मैंने पिछले एक दो महीने ट्रैवल अवॉइड ही किया है। मैं लद्दाख की सीरीज अपलोड कर रहा था और अभी हम जा रहे हैं अपने इस वाले ट्रिप पे क्योंकि अभी मॉनसून खत्म हो चुका है तो थोड़ा रिस्क से बाहर है, तो देखते हैं बारिश पड़ती है कि नहीं। जम्मू सिटी में पहुंच गए हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए हमें इतना टाइम लग रहा है ना। और अभी आज हमने स्टे लिया है तो अभी हम अपने होटल में जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा शॉपिंग करने जाएंगे, वो भी अब क्लिप्स देखना। क्लिप्स तो दिखा दूंगा, शॉपिंग क्यों कराऊं मैं? अरे राशन की शॉपिंग। हां फिर ठीक है। एग्जैक्टली गाइस। तो गाइस आप ट्रैफिक देख सकते हो यार, जम्मू शहर में ना फ्लाईओवर बनने के कारण जो ये अभी बन ही नहीं रहा, आप देख सकते हो बड़ी बड़ी मशीनें जरूर पड़ी हैं यहाँ पे, बट पता नहीं कब बनेगा। चलो शहर तो बहुत बड़ा है यार, जम्मू बढ़िया शहर है बट ट्रैफिक देख सकते हो 10 किलोमीटर के 25-25 मिनट बता रहे हैं, अभी तो 15 मिनट रह गए फिर हम अपने होटल में पहुंच जाएंगे। सामने देख सकते हैं हमें एक बहुत ही अच्छा मंदिर दिखा है और इसका नाम है रणवीरेश्वर मंदिर। चलो अगर मौका मिला तो यहाँ भी दर्शन करने आएंगे। फिलहाल हम हैं जम्मू की गलियों में अपने होटल का रास्ता ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा हम भटक गए थे और अभी थोड़ा सा इधर उधर जाके हम फिर से होटल की तरफ जा रहे हैं। जम्मू थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग शहर है क्योंकि कौन सी गली बंद है कौन सी खुली है आपको पता नहीं चलेगा। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपने होटल में जो कि हमने बुक करा था गुआई बीबो से। जम्मू ओल्ड सिटी में होटल है ये, यहाँ पे कार पार्किंग अवेलेबल नहीं है तो इसके साथ एक हाईटेक पार्किंग है सेफ, वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगाने के मतलब जो प्लान बनाया। और ये हमारा रूम है आप देख सकते हो, ये हमारा फालतू सामान है। अच्छा बाई चांस ही सूट डाला हुआ है इसने आज, तो ये पाकिस्तानी ढोल लग रहा है। तो अभी सामान वामान देख सकते हो हमने यहाँ पे रख दिया है, ये रूम आप रूम देख सकते हो। तो अभी करना क्या है, हम गार्ड पर हम गार्ड को पार्क में लगा देते हैं। वैसे प्लान ये है कि हम गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे, उसके बाद पैदल ही मार्केट घूमेंगे क्योंकि ये प्रॉपर मार्केट एरिया है, टाइट एरिया है, यहाँ पे हैरियर फंस सकती है और भानु की तरह है ना इसलिए। और आप अफगानी ढोल आप इसको इग्नोर करो। हम अभी रिलायंस जा रहे हैं, थोड़ा सा राशन और लेना है, इसको मैंने कल भी राशन दिलाया था बट फिर भी इसको ना तसल्ली नहीं हुई। अब गाइस फ्रेश वाला सामान, ब्रेड वेजिटेबल्स वो तो आके ही लेनी लेनी होती है, इनको क्या पता, शेफ फॉर अ रीजन। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये वीडियो यहीं तक एंड कर रहे हैं तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में हम करेंगे रूफटॉप कैंपिंग, बने रहिए। हम तीनों इस ट्रिप पे पूरी मौज मस्तियां लूटने वाले हैं। Exactly guys. Like the video and subscribe to the channel.